जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से यह संवाद संगोष्ठी आयोजित हुई और राष्ट्र के निर्माण में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाले आप सब उद्यमी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनमें बहुत ऊर्जा है, उत्साह है, जोश है, जुनून है। हमारे भाई मेघराज जी, आशा राम जी, शरद जी, प्रोफेसर वरुण आर्य जी और हमारे अत्यंत आत्मीय हैं, जिनके साथ करीब 1.5 दशक पुराना हमारा एक आत्मा का संबंध है, ऐसे श्री पित्ती जी। जहां तक देश के विकास में उद्यमों की भागीदारी का प्रश्न है, अब विकास की जो अवधारणाएं हैं उसमें हमने एक पैरामीटर बना रखा है कि देश की जीडीपी बढ़ रही है तो देश का विकास हो रहा है। जीडीपी के मूल्यांकन के जो तौर तरीके हैं वो सब हमने पश्चिम से आयातित किए हैं, उसमें कई घनघोर त्रुटियां भी हैं, लेकिन उसके मूल 3 स्रोत हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो इसके अंदर समाहित है, क्योंकि जो भी हम रिसर्च करते हैं वो या तो एग्रीकल्चर में काम आता है या इंडस्ट्री में काम आता है, या हमारी सर्विसेज को और बेहतर, उसको और विश्व स्तरीय बनाने में, उसको और ज्यादा गुणात्मक बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। वाटर मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें भी क्योंकि इसी के भीतर समाहित हो जाती है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी यह होती है कि आप लाखों गरीब लोगों के घर से पैसे निकाल लें दारू बेच के और उसको आप पेपर पर दिखा दें तो बोले देश का विकास हो गया। विकास नहीं, विनाश हो रहा है। इस देश में दारू छोड़ोगे तो जीडीपी घटेगी, दारू पियोगे तो जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि दारू पीने से एक तो आप पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद फिर आप बीमार होते हैं, फिर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर डॉक्टर की जीडीपी बढ़ती है, हॉस्पिटल की जीडीपी बढ़ती है, दवा बेचने वालों की जीडीपी बढ़ती है। आप जब दारू पीते हैं तो ठेके वालों की जीडीपी बढ़ती है, दारू बेचने वालों की, दारू बनाने वालों की जीडीपी बढ़ती है। आप पेड़ लगाते हैं तो जीडीपी बढ़ती नहीं है। जब काटते हो, चाहे वैधानिक तरीके से काटो या माफिया लोग काटें, आज 80% जंगल काट चुके हैं जीडीपी के चक्कर में। मकान आप 5 साल में बना सकते हो, लेकिन जो 80% वन काटे हैं यदि उसको दोबारा से लगाएंगे तो कम से कम 50 से लेकर के 500 साल लग जाएंगे। 500 साल पुराने हमने पेड़ काट दिए। पेड़ लगाते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती, पेड़ काटते हैं तो जीडीपी बढ़ती है। गंगा साफ रहती है तो जीडीपी नहीं बढ़ती, गंदी होती है तो जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि उसमें साफ करने वाले यंत्र लगेंगे, फिर उसके अंदर जनरेटर लगेगा, उसके अंदर पावर खर्च होगी तो उससे जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन गंगा साफ सुथरी है तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो आप नशा करते हो, आप दारू पीते हो, आप ड्रग लेते हो, आप गुटखा खाते हो, आप गंगा को गंदा करते हो, आप पेड़ काटते हो, आप गंदगी फैलाते हो तो जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि पहले फैलाओ, फिर उसको इकट्ठा करो, फिर उसका प्रोसेसिंग करो, तो आपको जीडीपी बढ़ेगी। तो कुछ इसके मानक बड़े विचित्र हैं। देश की जीडीपी जब भारत आजाद हुआ था तब 50% एग्रीकल्चर से आती थी, क्योंकि 70% लोग कृषि पर आधारित अपनी जिंदगी को जीते हैं। फिर जो है औद्योगिकरण का दौर चला और उसमें भी देशी कम विदेशी उद्योग ज्यादा आए, प्राइवेट कम सरकारी उद्योग ज्यादा आए। अब कुछ तस्वीर बदली है, लेकिन बहुत कुछ बदलना बाकी है। आप यदि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करते हैं तो आपकी जीडीपी नहीं बढ़ती, उनका दोहन करते हैं तो जीडीपी बढ़ती है।
यदि 200 साल तक इसी तरह से हम दोहन करते रहे तो शायद कुछ ही चीजें बच जाएंगी, धरती हमारी खोखली हो जाएंगी, हमारे पास में ना लोहा बचेगा ना कोयला बचेगा ना हमारे पास में बॉक्साइट बचेगा और तमाम रिसोर्सेज को हम लगभग खत्म कर देंगे। इसलिए अब बात करने लगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए और जो है वो डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होना चाहिए। माने सारा लूट के इकट्ठे कर लिए, किसी ने 1 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख करोड़, बोलो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट करो, अब जो है डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट करो। तो ये जो पूरा कुचक्र है और पहले कोई इसकी बात करे तो बोले उसको साफ करो, ये कौन होता है बात करने वाला? इंजस्टिस हो रहा है सब जगह। मैं बात ये कर रहा था, आप एक बड़ी भूमिका निभा रहे हो उसमें। इस देश के उद्योगपति को सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, सुविधाओं के नाम पर 1% जो करप्ट कॉर्पोरेट है, करप्ट कॉर्पोरेट, करप्ट बैंकर्स, करप्ट सिस्टम के जहां जहां पर भी जो जो हैं, सबको लीड करते हैं करप्ट पॉलिटिशियंस, उनको 1% लोगों को उनको कुछ फैसिलिटी मिल जाती है, उनको सब चीजें माफ हो जाती है उनकी। 1% लोगों ने 99% लोगों की खुशियों को रौन दिया है, कुचल दिया है। विदेशी कंपनियां यहां पर आती हैं, कितना उनका स्वागत किया जाता है। और देश का उद्यमी यदि देश के लिए विकास करता है तो हर कदम पर उसको रोका जाता है। आप लोग इंडस्ट्री चलाते हो, किसी इंडस्ट्री में 30, किसी में 40 आपको एनओसी लेनी पड़ती है और एक एक एनओसी के 1-1 लाख रुपए से लेकर के 1-1 करोड़ रुपए आपको देने पड़ते हैं। और एक बार ले लो तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर का पिंडा छूट गया, कभी भी आकर के 1 करोड़पति की अरबोंपति की हिंदुस्तान में औकात क्या है? एक इंस्पेक्टर आकर के इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, एक जो है इंस्पेक्टर आकर के ईडी का आपको ऐसे धमकाता है कि और आदमी को नींद नहीं आती। 100 करोड़ इकट्ठे हो गए, एक इंस्पेक्टर आकर के 2 मिनट में इज्जत उतार देता है, आदमी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाता है। इस हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट यदि बीमार है तो उसके जिम्मेदार वो खुद नहीं है, यदि उसको कोई परेशानी नहीं हो इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जीवन, वो आधे समय तो ये जुगाड़ करने में, ये सेटिंग कैसे करूं, काम करे कि इनको संभाले, ये सेल टैक्स, ये सर्विस टैक्स, ये इनकम टैक्स, ये ईडी, ये सीबीआई, क्या करेगा आदमी? फिर ये पोल्यूशन वाले, ये परमिशन वाले, ये दो देखो वही ठाए खड़ा हुआ है सामने। तो आदमी उद्योग चलाने से परेशान नहीं है, उद्योग चलाने से तो उसको खुशी मिलती है कि मैं 100, 200, 500 हजार लोगों को नौकरी दे रहा हूं, देखो मेरे पास पहले करोड़ थे, आज मेरे पास 10-20 करोड़ हो गए। लेकिन वो सारी खुशी उस समय उसकी खत्म हो जाती है, बोले या तो ऐसा नहीं तो जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भाई क्या गुनाह कर दिया? जो आप लोग टैक्स देते हो, इसी एक तो होता है जो आप इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स जो भी है आप देते हो, फिर ऊपर से जो है पॉलिटिकल टैक्स होता है, जब चुनाव होता है तब सरकारों का काम है कि आप एक उचित वातावरण उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना। खैर उस सब के बावजूद भी हिंदुस्तान का उद्योगपति यदि काम करता है तो इससे बड़ा कार्य धरती पर कोई नहीं हो सकता कि जो हिंदुस्तान का उद्योगपति कर रहा है। अब आप लोग कुछ पूर्व जन्म के योगी हैं, इस जन्म में योग कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो, इस सब के बावजूद आप ये सब काम करते हैं, बड़ा कठिन कार्य है। तो इन सब प्रतिकूलताओं को सहने के लिए एक तो थोड़ा सा सुबह सुबह प्राणायाम कर लिया करो, नहीं तो जल्दी पटाखा फूट जाएगा। आप लोग जब तक कमा करके थोड़े ठीक ठाक होते हो तब तक आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, आप घी नहीं खा सकते, आपको शुगर हो जाती है, आप लड्डू कोई मिठाई नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और पेट भी खराब हो जाता है, या तो गैस होते हैं या जो है कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है जो है, या कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप करोगे क्या? आप सोचो अपनी लाइफ के बारे में सोच करके, 25 साल पहले आप ज़्यादा ठीक थे, तब कम से कम चिकनी चोपड़ी रोटी खा लेते थे,
तो कम से कम कभी कोई रबड़ी रसगुल्ला रसमलाई कुछ खा लेते थे, अब तो एकदम सूखी रोटी। तो रोटी तुम्हारी पहले से कम हो गई, नींद तुम्हारी पहले से कम हो गई, चेहरे पर खुशियां पहले से कम हो गई, खाली आंकड़ा बढ़ा है, बिंदी बिंदी लगी है, बिंदी जीरो लगाते लगाते तुम खुद जीरो हो गए। जीरो ही तो बड़ा, पहले एक के आगे एक जीरो था, 10 लाख या 10 करोड़, एक जीरो बढ़ा दिया, दो जीरो बढ़ा दिया, जितना जीरो बढ़ा उतने आप जीरो हो गए। सोने में जीरो, खाने में जीरो, शरीर में जीरो, अंदर से सब चेक कराते हैं तब कहते हैं हाँ थोड़ा SGOT SGPT भी बढ़ गया, थोड़ा सा क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ गया, थोड़ा सा ब्लूरिबिन भी बढ़ गया, थोड़ा सा यूरिक एसिड भी बढ़ गया, थोड़ा सा ट्रेग्लिसराइड भी बढ़ गया, कोलेस्ट्रोल भी बढ़ गया। क्या है? तो आप कई बार खुद भी सोचते होंगे भाई ये है क्या है। आप लोगों की जिंदगी एक राजा की तरह होनी चाहिए, और वास्तव में आप इस देश के राजा हैं। वो लोग जो है जिनको हम राजा मान बैठे हैं वो तो हमारे नौकर हैं। हमारी तनख्वाह से उनकी गाड़ियां चलती हैं, हमारी तनख्वाह से उनके बंगले बनते हैं, हमारी तनख्वाह से उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, हमारी तनख्वाह से देश विदेश की यात्राएं करते हैं, हमारी तनख्वाह से वो फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनका है क्या। तो आप लोग पहले तो इस बात को मान करके खुश रहा करो कि आप इस देश के मालिक हैं, और आपको उस मालिकाना जो आपका हक है उसके बोध, उसका बोध अपने भीतर पैदा करना है, और फिर एक नया कीर्तिमान देश में बनाना है। तो यदि देश की, यदि हम डेवलपमेंट की बात करें, आज हम अपने देश का एग्रीकल्चर में मुश्किल से 30% ही, 25 से 30% पैदावार अपनी ले पा रहे हैं। 70% हम और पैदावार ले सकते हैं यदि हम बाढ़ और सूखे से देश को मुक्ति दिला दें। करीब करीब 90% हमारा देश का जल जो है वर्षात का वो समुद्र में बह जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, चाहे वो लिवर रिंकिंग, डिफरेंट तरह की चीजों को हमें उपयोग में लाना होगा, तो अपने देश में हम 30%। आप देखो जिन इलाकों में, मैंने, मुझे अच्छी तरह से पता है राजस्थान के, और जहां मैं पैदा हूं राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर जो है वो मैंने दोनों को देखा, हरियाणा को भी देखा, राजस्थान को भी, जहां बहुत वर्षा होती है सूखा होता है, सारा देश देखा बाद में, तो बचपन से देख रहा हूं मैं। तो जहां थोड़ा पानी हो गया वहां किसानों की समृद्धि पहले से 2-3-4 गुनी बढ़ गई। यदि पानी का प्रबंध हो जाए तो हम एग्रीकल्चर में अपने देश को 3-4 गुना आगे ले जा सकते हैं। अपने देश में भूख और कुपोषण के 84 करोड़ लोग शिकार हैं। हर दिन 20,000 मौतें भूख और कुपोषण के, हंगर और मेलन्यूट्रिशन के कारण से होती हैं। तो जो है यदि हम जो है एग्रीकल्चर को ठीक कर लें, इस देश के अंदर यूरिया DAP और पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं, इस देश में गौशालाएं और पशुशालाएं बनाने की जरूरत है जिनसे एक तरफ खेत के लिए गोबर मिले और बच्चों के लिए दूध मिले। अब आप लोग बैठे हो यहां पर, माफ करना, आप में से 99% आप खुद जहर खाते हो और अपने बच्चों को थालियों में जहर खिलाते हो। माताएं जो बच्चों को दूध पिलाती हो, दूध नहीं पिलाती, पूतना बनकर के अपने बच्चों को जहर पिलाती है, क्योंकि इनके स्तनों का दूध जहरीला हो चुका है। वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वाला अनाज खा करके जहरीला पानी, जहरीली हवाएं, जहरीली मिट्टी, जहरीले वातावरण में जी करके, ये टेस्ट किया गया कि 5, 10, 20, 50, 100, 200, 2000 गुना तक कई जहरीले केमिकल्स माताओं के दूध में आ गए। तो दूध हमारे जहरीले, खून हमारे जहरीले, हम अपने बच्चों को जो आहार दे रहे हैं, आप क्या खिलाते हो अपने बच्चों को? आप दाल रोटी सब्जी, आप आलू टमाटर नहीं खिला रहे हो, आलू टमाटर की जगह उनको बम खिला रहे हो, लौकी की जगह उनको आप मिसाइल खिला रहे हो। वही मटेरियल जिससे मिसाइल बनती हैं, बम बनते हैं, उन्हीं से ही यूरिया DAP और पेस्टिसाइड्स बन रहे हैं। पूरी दुनिया के रिसर्च ये कहते हैं कि 99% पेस्टिसाइड्स हवा में, मिट्टी में, पानी में मिल जाते हैं, 1% ही फसल के काम आते हैं, और फसलों पर पैदा होने वाले जो कीड़े हैं वो एक दूसरे को, एक जो है मित्र कीट, शत्रु कीट, एक बैलेंस बनाता है नेचर अपने आप। और यदि आपकी फसल को आप यूरिया DAP नहीं डालेंगे तो उसका इतना रेजिस्टेंस होगा, जैसे आज मैं भी तो इसी बात में रहता हूं, मुझे तो BP, शुगर, कोलेस्ट्रोल, स्वाइन फ्लू, मुझे तो डेंगू आदि नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि आपका आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कीट भी उसी फसल के ऊपर लगते हैं जो कमजोर होती है। तो पहले फसलों को कमजोर बनाया गया, उसके ऊपर
10 लाख करोड़ रुपए इसमें बर्बाद होते हैं। ये 10 लाख करोड़ रुपए यदि पशुपालन में खर्च हो जाए तो हमारे बच्चों को अनाज की जगह पर जहर नहीं मिलेगा, दूध की जगह पर जहर नहीं मिलेगा, ये वातावरण, ये हवा, ये मिट्टी, ये जहरीली नहीं बनेंगी। अपने पुरखों ने 200 करोड़ वर्षों तक इस धरती को पवित्र बना के रखा, पिछले 50 वर्षों में हमने सारे चारों तरफ विष घोल दिया। ये है हकीकत इस देश की। इंडस्ट्री में, भारत में इंडस्ट्री की क्या कमी है भाई? लोग कहते हैं यहां पर विदेशी कंपनियों की जरूरत है। अरे विदेशी क्या लेके आते हैं यहां पर बताओ? यहां पर बड़ी बड़ी 4-5 में कंपनियों का नाम लेता हूं, या हिंदुस्तान यूनिलीवर को कौन चला रहा है जी? एक, मुझे तो आज तक एक विदेशी अधिकारी नहीं मिला हिंदुस्तान यूनिलीवर में। फाइजर में कोई मुझे एक विदेशी अधिकारी नहीं मिला, कोलगेट पेप्सोडेंट में कोई विदेशी अधिकारी नहीं मिला मुझे, जॉनसन में कोई विदेशी आदमी नहीं मिला। सारे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तान का ब्रेन, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान की दुकान, हिंदुस्तान का दुकानदार, हिंदुस्तान का ग्राहक, हिंदुस्तान का पैसा, और जा रहा है विदेश में किस बात के लिए? खाली हम लोगों के भीतर की एक हीन भावना। सब कुछ हमारे देश का, जो लोग कहते हैं कि विदेशी इंडस्ट्री यहां पर पैसे लेकर के आती है, कौन कहता है पैसे लेकर के आती है? हिंदुस्तान यूनिलीवर इस देश में 24 लाख रुपए लेकर के आई, आज उसका 24,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के उसके एसेट्स हैं यहां पर। कहां लेकर के आई पैसा भाई? 24 लाख रुपए में तो कार नहीं आती। 24 लाख रुपए लाई और सारे देश को आर्थिक जो है शोषण हो रहा है। कोलगेट पेप्सोडेंट इस देश के अंदर जो है, कोलगेट पामोलिव 1.5 लाख रुपए लेकर के आई, आज उसका जो है 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसका बिजनेस है, 2,400 करोड़ रुपए के आसपास का। मैं ये कह, विदेशी कंपनियां यहां पर पैसे लेकर के नहीं आती, विदेशी कंपनियां यहां पर कोई रोजगार नहीं बढ़ाती, विदेशी कंपनियां यहां पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं पैदा करती, विदेशी कंपनियां कोई एक्सपोर्ट नहीं करती। यहां से एक भी सिंगल कोई बनकर के नहीं जाता, कोलगेट पेप्सोडेंट, लक्स, डॉ, कुछ नहीं बाहर जाता है, सब यही खपता है, कोई इससे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है। और सारा, मैंने कहा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, दुकान, दुकानदार, ग्राहक, पूंजी, सब कुछ, बस पता नहीं क्या। एक तरफ जापानियों को देखिए, हमसे आबादी में 100 गुना कम, छोटा सा देश, अपने हिंदुस्तान में तो 100 जापान बन जाए, और यदि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो हमसे आगे गिना जाता है। एक ही चीज, स्वाभिमान, और स्वाभिमान अपने देश प्रेम का, स्वाभिमान अपने देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का, और स्वाभिमान अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का। जिस दिन ये हिंदुस्तान में लौट आएगा, उस दिन हिंदुस्तान विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया बन जाए। ये है, तो इस दिशा में अपने को सोचने की जरूरत है। हम लोग क्यों किसी के गुलाम बने? हमारे यहां पर एक विदेशी ब्रांड है, जितने, अच्छा ये विदेशी ब्रांडों को बनाता क्यों है? सारी मैन्युफैक्चरिंग 80-90% मैन्युफैक्चरिंग ही दूसरों से करवाते हैं। सबकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग चलाते हैं, बस खाली नाम इनको विदेशी चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था, स्वदेशी के रास्ते पर चलो, और बोले हमारे अंदर यदि कुछ त्रुटियां हैं तो उसको अपने आप मिलजुल करके ठीक करो ना। अपने देश में कोई कमी नहीं है, एक अपना स्वत्व जागना चाहिए। दूसरा, जहां तक पुरुषार्थ का प्रश्न है, पुरुषार्थ मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, और आगे बढ़ने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेम मोहब्बत की जरूरत पड़ती है। तो हिंदुस्तान के लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आगे बढ़ने के लिए बड़ी सोच की जरूरत पड़ती है, छोटा सोचता हो तो आदमी तो कुछ काम कर ही नहीं सकता। आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, इसलिए हमारे यहां बोलते हैं 5 आदमी से पूछो, इसका मतलब ये होता है आपको इनपुट्स मिल जाते हैं, निर्णय खुद करो। जो खुद निर्णय नहीं करेगा वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, वो कोई बड़ा निर्माण का काम नहीं कर सकता। इसलिए आत्मनिर्णय, आत्मनिर्णय ही सत्य निर्णय होगा। राइट डिसीजन, राइट टाइम पर राइट डिसीजन। कई बार आपको तुरंत निर्णय लेना होता है। हमने कभी अपने विरोधी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, देसी विदेशी बहुत विरोधी हैं हमारे, अपने आप ही हो जाते हैं, आपके काम से हो जाते हैं, आप किसी से विरोध नहीं करते। आप
कोई स्वार्थ के कारण से, कोई अहंकार के कारण से, कोई अज्ञान के कारण से, कोई भय के कारण से आपके विरोधी हो जाते हैं। तो जो है, लेकिन आपको किसी की परवाह क्यों? हमने कभी नहीं सोचा कि आयुर्वेद में जो लोग 150-200 साल से काम कर रहे हैं, हमारा हम कैसे इसको काम को करेंगे? हम अपना काम करना जानते हैं। हमने योग में किसी को अपने प्रतिद्वंदी नहीं माना, आयुर्वेद में हमने किसी को प्रतिद्वंदी नहीं माना। स्वदेशी की बात तो हमसे बहुत पहले से कर रहे थे, महात्मा गांधी से लेकर के, बाल गंगाधर तिलक से लेकर के, गोखले से लेकर के, महर्षि दयानंद से लेकर के, सभी ने स्वदेशी की बात किया। हमने पहले वालों को तो अपना आदर्श माना, वर्तमान में भी बहुत स्वदेशी की बातें हो रही थी। हमने किसी को जो है किसी को भी अपना प्रतिस्पर्धी नहीं माना, हम अपना काम कर रहे थे कि हम अपना काम करेंगे बस। हम कोई खानदानी सन्यासी नहीं है। ये क्या, कोई शंकराचार्य की पीठ पे बैठ गया तो शंकराचार्य है, कोई गुरु की पीठ के ऊपर बैठ गया गुरु। इनको तकलीफ ही है, बाबा ने नई पीठ बना दी, हमने कोई पीठ नहीं बनाई भाई, हम तो अपना काम कर रहे थे, बन गई होगी पीठ, हमें क्या पता। हम तो अपना काम कर रहे थे, मैंने कहा तो हम तो अपना ज्ञान, अपने कर्म और अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। अब इसके द्वारा कुछ हो गया वो उसका परिणाम है। लोग परिणाम को सोचते हैं और काम को नहीं देखते, इसलिए ये बड़ी विचित्र चीजें हैं। तो मैंने कहा बड़ा रिस्क आप लीजिए, आप हिम्मत होनी चाहिए। हमने आयुर्वेद में करीब 5 करोड़ गोली बनाने वाली जो है वो मशीनें लगाई, आयुर्वेद में किसी के पास नहीं, धरती पर आज तक नहीं है, बड़े बड़े होंगे 100-150 साल पुराने, किसी के पास वो एक्सट्रैक्शन प्लांट नहीं। हम करीब 10 टन रोज एक्सट्रैक्ट करते हैं, 50 टन जूस लगाने की कैपेसिटी। लोग बोले ये पहली पहली यूनिट बनी दुनिया की, सबसे पहली वो मशीन हमारे लिए बनाई गई है ही नहीं, कोई किसी के पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। लेकिन उसमें रिस्क कितना, बोले एक मशीन 25 करोड़ रुपए की, 25 करोड़ रुपए पानी में जाएंगे यदि कामयाब नहीं हुए तो, रिस्क तो लेना पड़ेगा। जीडीपी की बात हुई तो जीडीपी में मैं ऐसा मानता हूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर कोई विदेशी कंपनी की जरूरत नहीं, और अपने हिंदुस्तान की हम ग्रोथ रेट इतनी ले जा सकते हैं। आज हमारा यदि 10 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है तो हम 100 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक दृष्टि चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था चाहिए। तो भारत के लोग तो करने के लिए तैयार, इतने हाथ हैं यहां काम करने के लिए, हाथों को काम नहीं है साहब। और उद्योगपति भी तैयार है, इनको छिपाना पड़ता है, कोई लैंड भी छिपा रहा, कोई गोल्ड भी छिपा रहा, कोई इधर छिपा रहा, कोई उधर छिपा रहा, परेशान है। जिनके पास है वो उसको ठीक जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिनके पास नहीं है वो परेशान है, बुरे हाल है सर। तो और जहां तक बात सर्विसेज की है तो भारत के लोग, मैंने कहा किसी भी काम में उसमें तो अभी भी हम अव्वल हैं, किस बात ऊंचे दर्जे की। और इसको किसी भी चीज में विकास की संभावनाएं तो अनंत होती है, बहुत कुछ हमारे पास करने के लिए है। खैर, ये मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। आपको किसी भी विषय में कोई भी प्रश्न हो, आपकी वैयक्तिक जिंदगी से लेकर के और देश और दुनिया का कोई भी विषय आपको कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपने क्या मानना, क्या आदर्श क्या होना चाहिए? देखो, ये जो है समग्र और सर्वोदयी विकास, टिकाऊ विकास, अहिंसक विकास। गाय काटते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, गाय पालते हैं तो नहीं बढ़ती, उतनी नहीं बढ़ती जितना वो बढ़ाना चाह रहे। तो समृद्धि के दो तरीके, एक हिंसक समृद्धि और एक अहिंसक समृद्धि। एक अन्यायपूर्ण, इनजस्टिस डेवलपमेंट, एक जो है न्यायपूर्ण समृद्धि। तो सब जगह जस्टिज्म होना चाहिए। तो उसके लिए हमें विकास की अवधारणाओं को पूरा बदलना पड़ेगा, विकास के मानक बदलने पड़ेंगे। हमें खाली पेपरों के आधार पर जो मूल्यांकन होता है उससे थोड़ा सा मुक्त होना पड़ेगा। और क्योंकि ये दोषपूर्ण मान्यताएं पश्चिम से चली हैं, तो हमारे यहां तो है एक आदर्श समाज और आदर्श समृद्धि। उसके लिए वैयक्तिक जीवन में तप, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? पश्चिम का क्या है, ज्यादा कमाओ, ज्यादा कंज्यूम करो, ज्यादा खरीदो। रूस के कर वित्त मंत्री ने सलाह दी अपने नागरिकों को कि सिगरेट पीना आप शुरू कीजिए, हमारी जीडीपी नहीं बढ़ रही है।
ये जो आइडियोलॉजी है विकास की, ये ठीक नहीं है। तो वैयक्तिक जीवन में तप